नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम योग सहायक और छत्तीसगढ़ जिला बिलासपुर के तरफ से सयुदा भारती जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति के द्वारा निकला हुआ है जिला बीजापुर के तरफ से, इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में दोनों वैकेंसी के बारे में क्रम से बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर से देखें। इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन से वैकेंसी के लिए कितना पद आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और चैनल में आप लोग उस बेल आइकन को जरूर से दबाना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ के तरफ से यहाँ पर 26/10/2022 तक जो है आपको ये आवेदन को भेजना होगा। यहाँ से आपको बताया गया है कि आपको कहाँ भेजना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, कक्ष क्रमांक 90, प्रथम तल, संयुक्त जिला कार्यालय बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के नाम से आपको यहां पर रजिस्ट्री करना है या तो फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। सीधे तौर पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। यहां पर आप लोगों को बता दूं, को योग सहायक के लिए आप लोग देख सकते हैं कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, जहां पर आप लोगों को 8000 रुपया मासिक भुगतान भी किया जाएगा। यहां पर योग सहायक के जो प्रमुख कार्य है वो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रतिदिन आपको योगाभ्यासियों हेतु जो योगा में दरी इत्यादि की बिछावन करना है, आपको साउंड सिस्टम लगाना है, प्रशिक्षण उपरांत सुव्यवस्थित कर संधारित करना है जब भी योगा होगा, तो उसके लिए पूरी जो योगा से संबंधित कार्य है उस कार्य को आपको निर्वहन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा विज्ञापन एवं भर्ती हेतु अन्य आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो आप लोग देख सकते हैं। इसका जो चयन है मेरिट के आधार पर होगा, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता भी है। आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से इसका चयन होगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं इसका जो चयन है मेरिट के अनुसार से होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से ये जो आवेदन है आपका निकला हुआ है, आवेदन का प्रारूप भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आवेदन का जो प्रारूप है आप इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना है राजपत्रित अधिकारी से या तो फिर आप स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर चिपका देंगे। उसके बाद प्रति जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा के नाम से इस आवेदन को लिखना है और रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से तुरंत का तुरंत आपको इसको भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनके वेबसाइट जो है बना हुआ है उस वेबसाइट पर जाके आप जो है देख सकते हैं। मैंने लिंक जो है पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं पहले वीडियो को पूरा देखने के बाद। 26/10/2022 को ये आखिरी तारीख है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति बीजापुर के तरफ से यहाँ पर निकला है कि भोपालपट्टनम है और आपका आवापल्ली है और भैरमगढ़, उसके बाद कुटरू के लिए निकल करके आया हुआ है। ये भर्ती संविदा भर्ती है और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। संविदा भर्ती के लिए जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है वो वाकई इंटरव्यू के नाम के पद के नाम के सम्मुख आपको करना होगा। ये निर्धारित जो है आपको 17/10/2022 को जो कार्यालय समय होता है 10 बजे से, वो आप लोग कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में उपस्थित होना है। उसके बाद इस संविदा भर्ती का जो निम्नानुसार जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर ज्यादा पद जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा ये पद है। व्याख्याता गणित है, प्रधान पाठक है माध्यमिक शाला के लिए है, शिक्षक जो है अंग्रेजी स्कूल अंग्रेजी के लिए है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए है, सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान है, जो कि सबके सब जो है आप जो माध्यम आपका जो पढ़ाई का माध्यम है वो इंग्लिश मीडियम का होना जरूरी है। पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 पद दिख रहा है, जहाँ से आप लोग यहाँ तक देखें 2 पद जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जो है भैरमगढ़ में आपका 3 पद है, भोपालपट्टनम में 2 पद है और यहाँ पर आवापल्ली में 1 पद है और यहाँ
आप लोग कुटरू का देखेंगे तो यहाँ पर दो पद है, इस प्रकार से आठ पद जो है निकल करके सामने आया हुआ है। लेकिन वाक इन इंटरव्यू कहाँ होगा सर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में होने वाला है। समय आपका 11 बजे से होने वाला है। अगर आप इच्छुक हैं तो 17/10/2022 को यहाँ पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा आपका 10 तारीख 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक जो है जो पंजीयन है आप लोग अवश्य से करा लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है देखने को मिल गया, ये जो है सहायक शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए मैंने पुराने वीडियो में और भी बता रखा है, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हालांकि मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड करके बहुत ही इत्मीनान से फॉर्म भरिए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।